हेलो गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। हमारा टॉपिक है रिलेशनल कैलकुलस। तो इससे पहले हमने रिलेशनल एलजेब्रा के बारे में पढ़ा था और कहा था रिलेशनल एलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसमें यूजर स्पेसिफाई कर सकता है कि उसे क्या डेटा चाहिए और किस तरह से चाहिए। जब हम एक रिलेशनल एलजेब्रा का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तब हम प्रोवाइड करते हैं सारे सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स जिससे हमारी क्वेरी का आंसर जनरेट होता है। जबकि रिलेशनल कैलकुलस जो है वो एक नॉन प्रोसीजरल या फिर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है, और ये एक ऑल्टरनेटिव होती है रिलेशनल एलजेब्रा का। इसमें यूजर ये तो स्पेसिफाई कर सकता है कि उसे क्या डेटा चाहिए, लेकिन वो ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि क्या सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर होंगे उस डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। और रिलेशनल कैलकुलस का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एसक्यूएल पे, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, और क्यूबीई पे, क्वेरी बाय एग्जांपल पे। रिलेशनल कैलकुलस दो तरह के होते हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। सबसे पहले देखेंगे टपल रिलेशनल कैलकुलस के बारे में। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, और हम यही कह रहे हैं कि ये भी नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तो मिलती है लेकिन हम स्टेप्स नहीं देख सकते कि वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। और उसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिख रहे हैं टी और फिर पी टी। टी हमारा एक टपल वेरिएबल है और पी टी हमारी एक कंडीशन है। इसके सिंटेक्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है टपल रिलेशनल कैलकुलस का। हमें फाइंड करनी है लोन डिटेल्स लोन रिलेशन में। तो जो लोन रिलेशन है हमारा, लोन रिलेशन, इसके एट्रीब्यूट्स हैं लोन नंबर, लोन डेट और लोन का अमाउंट। तो हमें ये सारी डिटेल्स फाइंड करनी है इस क्वेरी से, लेकिन हमें इसे टपल रिलेशनल कैलकुलस में लिखना है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स लगा के टी, वेयर टी बिलोंग्स टू लोन। अब हमने पढ़ा था कि जो टी है वो पी टी, हमने ये लिखा था। तो इसका मतलब क्या था कि सेट ऑफ ऑल टपल्स टी सच दैट प्रेडिकेट पी इज ट्रू फॉर टी, इसका मतलब ये था। और हमने लिखा है टी वेयर टी बिलोंग्स टू लोन। तो इससे हमें सारी टपल्स मिल जाएंगी जो कि लोन रिलेशन में है। इसी तरह से हमें दूसरी क्वेरी का आंसर फाइंड करना है। इसमें हमें निकालना है कि लोन डिटेल्स फॉर लोन अमाउंट ओवर 25,000 इन लोन रिलेशन। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, हम लिखते हैं टी सेट ऑफ ऑल टपल्स टी, और टी बिलोंग करेगा लोन को। अब हम एंड लगाएंगे और अपनी कंडीशन लिखेंगे ये वाली कि हमें ओवर 25,000 चाहिए लोन अमाउंट, टी लोन अमाउंट ग्रेटर देन 25,000। तो ये भी हमारा एक सिंटेक्स होता है जिससे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई एट्रीब्यूट है हमारा और उस पे कोई कंडीशन लगनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वांटिफायर्स के बारे में। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, जिसका सिंबल ये होता है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सम टपल एम इन रिलेशन आर। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि फॉर एवरी टपल एम इन मूवी देयर एग्जिस्ट अ टपल टी इन मूवी सच दैट एम डॉट डायरेक्टर इज इक्वल्स टू टी डॉट एक्टर। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से हम कह रहे हैं फॉर एवरी टपल एम। तो फॉर एवरी के लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का, क्योंकि इसका मतलब होता है फॉर एवरी टपल एम इन रिलेशन आर। और फिर हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट्स अ टपल, मतलब कि कोई सम टपल, कुछ टपल्स होंगी इन मूवी मूवी के अंदर सच दैट, ये हमारी जो कंडीशन
दी हुई है। तो इस तरह से हमारे दो क्वांटिफायर्स होते हैं। अब हम देखते हैं क्वांटिफायर्स का एग्जांपल। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स हुज डिपार्टमेंट इज इन नॉर्थ बिल्डिंग, और हमें दो रिलेशंस दे रखे हैं इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के। अब हम इस क्वेरी को आंसर इस तरह से लिखेंगे। हम कहेंगे जो हमारा ये टपल वेरिएबल है यू, ये रेस्ट्रिक्टेड है हमारा बिल्डिंग्स के लिए जो नॉर्थ में है, और जो टपल वेरिएबल हमारा एस है ये उन इंस्ट्रक्टर्स के लिए हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया जो मैच कर रहे हैं हमारे यू टपल वेरिएबल से, जिनका डिपार्टमेंट नेम मैच करता है हमारे टपल वेरिएबल यू से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एस और यू दो टपल वेरिएबल्स और यूज किए हैं। अब हम देखते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के बारे में। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में हम हमेशा एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, और टपल रिलेशनल कैलकुलस में हमारी वैल्यू होती थी पूरी की पूरी टपल। तो जो डोमेन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमेशा डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट से चूज की जाती है। और इसका सिंटेक्स देखते हैं, x1 से लेके xn तक ये हमारे सारे डोमेन वेरिएबल्स हैं, और ये जो हमारी कंडीशन है वो उसी के सिमिलर है जैसे हमने अपनी टपल रिलेशनल कैलकुलस में लिखी थी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब ये हमारा डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का एग्जाम्पल है जिसमें हमें फिर से लोन डिटेल्स फाइंड करनी है लोन रिलेशन के अंदर। तो हमने अपनी टपल रिलेशनल वाली क्वेरी ऐसे लिखी थी, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेरी को किस तरह से लिखेंगे, हम ये डोमेन वेरिएबल्स लेंगे एन डी ए और एन डी ए। तो एन डी ए क्या है, एन जो एक वेरिएबल है वो एक डोमेन वेरिएबल है जो लोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो वेरिएबल है वो लोन डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो वेरिएबल है वो लोन अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्वेरी भी हमें सारी डिटेल्स देगी, लोन नंबर, लोन डेट और लोन अमाउंट। और जो एक कंडीशन है इससे ये एंश्योर हो रहा है कि जो डोमेन वेरिएबल्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है उसी डोमेन के लिए, जैसे एन लोन नंबर के लिए, डी लोन डेट के लिए और ए लोन अमाउंट के लिए। तो इससे भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें इस क्वेरी से मिल रहा था, लेकिन ये हमारी टपल रिलेशनल कैलकुलस वाली क्वेरी है और ये डोमेन रिलेशनल कैलकुलस वाली क्वेरी है। अब हम देखते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे टपल रिलेशनल कैलकुलस से भी और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस से भी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिपार्टमेंट एब्रीविएशंस एंड टाइटल्स ऑफ ऑल कोर्सेज नंबर 101। तो हमें ये डिपार्टमेंट निकालना है और ये टाइटल निकालने हैं, और कोर्सेस होने चाहिए 101। तो इसकी क्वेरी हम टपल रिलेशनल कैलकुलस में कैसे लिखेंगे, हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो हम सी एक टपल वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो सी है, सी डॉट डिपार्टमेंट कॉमा सी डॉट टाइटल, और हमारे रिलेशन का नाम है कोर्स, वेरिएबल है सी, एंड ये कंडीशन लिख देंगे सी डॉट नंबर इज इक्वल्स टू 101। तो ये क्वेरी हमारी हो गई टपल रिलेशनल कैलकुलस में। अब हमें लिखनी है ये सेम क्वेरी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में। तो हम कुछ डोमेन वेरिएबल्स मान लेते हैं, जैसे डिपार्टमेंट को कह देते हैं डी, नंबर को कह देते हैं ई और टाइटल को कह देते हैं एफ। तो हमें डी और एफ ही तो चाहिए रिजल्ट में, तो हम लिखेंगे डी और एफ, हमें चाहिए डी ई एफ बिलोंग्स टू कोर्स, एंड ई जो होना चाहिए वो 101 होना चाहिए। तो हमने लिखा है हमें डी एफ डोमेन वेरिएबल्स चाहिए और डी ई एफ डोमेन वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं कोर्स को, जिसमें ई की जो वैल्यू है वो 101 होनी चाहिए। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा टपल रिलेशनल कैलकुलस की क्वेरी से आ रहा था। तो हमें इन दोनों क्वेरी से सारे डिपार्टमेंट्स और टाइटल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिनका कोर्स नंबर 101 है। थैंक यू।